आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत के लिए खास राजगीरा की चिक्की, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही कुरकुरी चिक्की बन के तैयार होती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे किसी भी व्रत या त्यौहार या ऐसे भी बना के खा सकते हैं, लंबे समय तक ये चलता भी है। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया और ये मैंने आधा कप गुड़ को तोड़ के ले लिया है और साथ में इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे। मैंने यहाँ मेल्ट किया हुआ घी डाला है, आप चाहें तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे, गुड़ को तोड़ते जाएंगे। इसे तोड़ते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे मेल्ट होता जाएगा। इसमें आप पानी का यूज बिल्कुल भी ना करें। और पूरे 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसमें थोड़े से ड्रॉप डाल के चेक कर लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि गुड़ अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी खिंच रहा है। अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है, 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। और पूरे 6 मिनट मैंने इसे पकाया है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसे फिर से चेक करेंगे, जब ये टूटने लगे तब आप समझ लें कि चिक्की बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ देख सकते हैं गुड़ कितनी आसानी से टूट रहे हैं। चिक्की बनाने के लिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप राजगीरा डालेंगे, जिसे हम रामदाना, राजगीरा, जो आपके वहाँ बोला जाता है आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा बाद में डालेंगे, पहले थोड़े डाल के मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें। अब हम जो बचा हुआ राजगीरा था उसे भी डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। फटाफट से इसे सेट करने के लिए ले चलते हैं। सेट करने के लिए मैंने पहले ही प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, ऑयल या घी जो भी आप खाना पसंद करते हो लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम सारा ये डाल देंगे और एक स्पून की सहायता से इसे स्मूथ कर लेंगे। इसे आप अपने मनपसंद के शेप में कट कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब हम इसे बर्फ़ी के आकार में कट कर लेंगे, आप चाहें तो सर्कल में भी इसे बना सकते हैं। और इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी राजगीरा की बहुत ही कुरकुरी चिक्की बन के तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।